الحمد لله الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين हजरात आगे से लेकर पीछे तक दाएं से लेकर बाएं तक पूरा मजमा एक साथ नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद सलाम का हदिया मोहब्बत पेश करें बाबा से बुलंद पड़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह وسلم عليك يا ابي الله صلى الله عليه وسلم حضرات اپ چائے پی رہے پیجئے چائے پیجئے چائے پیجئے گا گلے کی خشکی ختم ہوگی تب نہ زور زور سے سبحان اللہ بولیے मगर चाय पीजिए तो इस अंदाज में पीजिए कि वो चाय आपके लिए शिफा हो जाए। चाय भी पीजिए सुभान अल्लाह भी कहिए, सुभान अल्लाह की बरकत चाय में आ जाए, चाय आपके लिए शिफा बन जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मजमा बहुत बेदार है और जो सो भी रहे थे उनको तस्लीम रजा मदनी ने बिल्कुल उठा दिया, जगाने की भी जरूरत नहीं है, बस अब फरसने की जरूरत है। शायर इस्लाम हजरत संजर रजा साहब किबला बेहतरीन आवाज के मालिक बेहतरीन अंदाज में आप हजरात के सामने आए और पढ़ करके आपके कुलूब अजान को मुनव्वर कर दिए, कर करके रुखसत हो गए। उससे पहले आशिके आला हजरत हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा मौलाना अफरोज खान साहब किबला से भी आपने एक बेहतरीन खिताब समाप्त किया। मेराज और नमाज के ताल्लुक से आपने सुना थोड़ी देर मुझको बर्दाश्त करेंगे, सुनने के लिए तैयार हैं। आज का ये प्रोग्राम रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस के नाम और इसी में मौला अली की विलादत भी शामिल है। आज मैं चाहता हूं कि मैं गुफ्तगू करूं तो नबी अली वली पर गुफ्तगू करूं। हजरत अल्लामा दाऊद साहब किबला फैजी तशरीफ फरमा है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे खतीब हैं, इलाके में भी आप हजरात इनका जलवा देखते हैं, बाहर भी लोग इनका जलवा देखते हैं।
अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे। और भी हमारे उलमा शोरा तशरीफ फरमा है, सबों की दुआओं को लेता हुआ आगे बढ़ूं। हमारी और आपकी खुशनसीबी है कि आज की रात अफजल रात है, बरकत वाली रात है। आज की रात वो रात है मुहिब और महबूब की मुलाकात की रात है। आज की रात मुहिब और महबूब की मुलाकात की रात है, मेराज की रात है। मेराज किसकी हुई? मेराज कहां हुई? मेराज कब हुई? मेराज किसके पास हुई? मेराज कैसे हुई? मेराज आप लफ्ज़े मेराज ही से पूछ लें। लफ्ज़े मेराज में पांच हरूफ हैं और पांच हरूफ ने बता दिया कि किसकी हुई मेराज। मेराज के मीम ने कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की हुई मेराज। आयत ने कहा अर्श के उस पार हुई मेराज। रा ने कहा रात के हिस्से में हुई मेराज। अलिफ ने कहा कि अल्लाह के पास हुई मेराज। जीम ने कहा कि जागते हुए में हुई मेराज। जागते हुए हुई मेराज। नबी की मेराज। मेराज हजरत अल्लामा अफरोज खान साहब कुबला ने तकरीर में कहा कि नबी मेराज आ गए और तोहफा क्या लेकर आए? बोलो मेरे भाई। चंद मोटी मोटी बात करूंगा उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नबी अली वली इसी पर गुफ्तगु होगी इंशाअल्लाह। मेरे सरकार मेराज आ गए, क्या लेकर आए? क्या लेकर आए? नमाज। और आका फरमाते हैं अस्सलातु मिराजुल मुमिनीन। नमाज मोमिनों के लिए मेराज है। नमाज मोमिनों के लिए, पूरा मजमा बोले नमाज मोमिनों के लिए मेराज है। मेराज तो ये है कि आका लामका जाए और बगैर पर्दा के अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार करे, तो ये है मेराज। नमाज में मेराज कैसे? नमाज में मेराज कैसे? दीदार कहां? नबी दीदार करें तो मेराज। हम नमाज पढ़े तो मेराज कहां? तो मेरे सरकार फरमाते हैं कि तुम नमाज ऐसे पढ़ो कि गोया तुम खुदा को देख रहे हो। गोया तुम खुदा को देख रहे हो, मगर हम कहां? हमारी आंखों में वो पावर कहां? वो कुव्वत कहां? वो ताकत कहां? वो हिम्मत कहां कि हम खुदा को देख सके? तो ये दिल में ख्याल रखो कि हम खुदा को नहीं देख रहे हैं, मेरा खुदा हमें देख रहा है, मेरा परवरदिगार हमें देख रहा है, मेरा रब्बे जुलजलाल हमें देख रहा है। हर कभी शान के साथ नमाज पढ़ोगे तो यही नमाज है जो मोमिनों के लिए मेराज है। यही नमाज है जो मेरे आका की आंखों की ठंडक है। यही नमाज है जो दीन का सुतून है। शामिल आकर नमाज में हुब्बे रसूल है तो दरबारे हक में वो इबादत कबूल है। आका मेराज में गए हजरत जिब्राइल नबी के साथ। हजरत जिब्राइल नबी के साथ उम्मेहानी के घर से मस्जिद आराम, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, मस्जिद अक्सा से पहले आसमान, दूसरे आसमान, तीसरे आसमान, चौथे आसमान, सातवें आसमान, अर्श-ए-आज़म, सिदरा तक
जिब्राइल नबी के साथ सिदरा तक नबी के साथ, मगर सिदरा पे साथ छोड़ रहे हैं। कहा या रसूल अल्लाह अब आगे नहीं जाएंगे, आगे आप जाओ। तो मेरे नबी ने ये नहीं कहा कि जिब्राइल मक्के से लेकर यहां तक तुम लेकर आए, आगे मैं कैसे जाऊंगा। आका ने नहीं कहा, मेरे आका कहते हैं जिब्राइल कुर्बे दना फतदन्ना की मंजिल पर जा रहा हूं। ए जिब्राइल कोई अरीजा हो तो कहो, पेश कर दूंगा। कुछ कहना हो तो कहो, रब की बारगाह में कह दूंगा। हजरत जिब्राइल ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह मेरी ख्वाहिश क्या होगी, तमन्ना क्या करूंगा। बस या रसूल अल्लाह इतना कहूंगा, एक अरीजा आपकी बारगाह में पेश करूंगा, अगर कबूल हो जाए तो ये मेरी मेराज है। कबूल हो जाए तो मेरी मेराज। का जिब्राइल अरीजा क्या है? का या रसूल अल्लाह हमें आपसे प्यार है। या रसूल अल्लाह हमें ये भी मालूम है कि आपको उम्मत से प्यार है। या रसूल अल्लाह हमें आपसे प्यार, आपको उम्मत से प्यार, प्यारे की हर चीज प्यारी होती है। या रसूल अल्लाह जब आपको उम्मत से प्यार है तो हमें भी आपकी उम्मत से प्यार है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल मैदाने महशर कायम होगा, लोग नफसी नफसी के आलम में होंगे। या रसूल अल्लाह आपकी गुनहगार उम्मत को पुल से रात पर से गुजरना होगा। हे मेरे आका, आपकी उम्मत पुल से रात पर से गुजरेगी, जो गुजर जाएगी वो जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएगी। लेकिन ये मेरे आका वो पुल सिरात जिसके बारे में कहा गया है, अहदो मिन साइब अदको मिन शार, बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज, बारीक कितना।